वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई जल जीवन हरियाली यात्रा के अंतर्गत हर जिले में एक जलाशय को चिन्हित कर वहां जल संरक्षण, वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण की सराहनीय योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत पटना में मोकामा नगर परिषद स्थित मारहो पोखर को चिन्हित किया गया था, जो अब सज धज कर पूरी तरह तैयार है। अब बस मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार है। पोखर को इस तरह सजाया गया है कि लोग कह रहे हैं नया साल में पिकनिक यही मनाया जाएगा। बच्चों के लिए कई झूले लगाए गए हैं, तो मॉर्निंग वॉक से थकने के बाद बेंच की भी व्यवस्था की गई है। तालाब में बत्तख भी डाले गए हैं और मछलियां तो पहले से ही थी। पोखर के चारों तरफ किनारे पर टहलने के लिए पेवर ब्लॉक से फुटपाथ का भी इंतजाम किया गया। अंतिम तैयारी का जायजा लेने जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, डीडीसी सुहर्ष भगत, अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार, एएसपी लिपि सिंह समेत पूरा प्रशासनिक अमला पोखर पर मौजूद नजर आया। जिलाधिकारी ने बताया कि हेलीपैड पूरी तरह बनकर तैयार है, अब बस सीएम के आगमन का इंतजार है। मोकामा के लोग भी इस आस में सीएम के स्वागत को तैयार है कि सीएम आएंगे तो टाल समस्या और राजेंद्र सेतु पर मालवाहक वाहनों के बंद होने से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या का समाधान साथ लेकर आएंगे।